हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 2 की तरफ जाएंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मास फ्लो रेट की क्रिटिकल प्रेशर की कंडीशन नोजल के लिए। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को नोजल की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बताया था, क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया था और मास फ्लो रेट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है नोजल के अंदर उसके बारे में बताया था। आज उसी इक्वेशन के बेस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्रिटिकल प्रेशर की कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रिटिकल प्रेशर क्या है। द प्रेशर एट विच द एरिया इज मिनिमम, डेफिनेशन को समझना। हम लोगों को नोजल का ऐसा एरिया पकड़ के चलना है जो मिनिमम है, जहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। द प्रेशर एट विच द एरिया इज मिनिमम एंड द डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, डिस्चार्ज मतलब नोजल में से निकलने वाला फ्लूड, उसका डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया इज मैक्सिमम। यूनिट एरिया सॉरी मिनिमम एरिया के रिस्पेक्ट में आपको मैक्सिमम प्रेशर या मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल रहा है, तो नोजल के उस पोर्शन को या नोजल की उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर कंडीशन। देखिए, आप लोगों के पास में नोजल दो टाइप से होती है, ठीक है, कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल। ओरिफिस मीटर सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि आपको ओरिफिस मीटर का पता होगा कि लेफ्ट हैंड पोर्शन क्या होता है, तो इनिशियली इनलेट के अंदर एरिया आपका बड़ा होगा, जैसे जैसे आपका फ्लूड आगे बढ़ेगा ग्रेजुअली एरिया डिक्रीज होगा, फिर थ्रोट आता है कि जहाँ पर आपको कॉन्स्टेंट एरिया मिलता है, फिर बाद में उसके बाद में वापस से ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया मिलता है। कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल भी बिल्कुल इसी तरह से होती है कि पहले एरिया आपका ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, फिर थ्रोट आएगा, फिर बाद में वापस से आपका एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो ओरिफिस मीटर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो इसी के लिए हम लोग समझते हैं कि हमारे पास में क्रिटिकल प्रेशर की कंडीशन क्या होगी, चॉक फ्लो क्या मिलेगा। इसके अंदर हम लोग इक्वेशन फॉलो करेंगे, हमारा इक्वेशन 5.9। यू कैन सी दैट एम इज इक्वल टू ए टू अंडर रूट ऑफ 2n अपॉन n माइनस 1 p1 बाय v1 इनटू p2 बाय p1 रेस टू 2 बाय n माइनस p2 अपॉन p1 होल रेस टू n प्लस 1 अपॉन n। आपको सारे पैरामीटर्स पता ही है कि पैरामीटर्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। p1 का मतलब इनिशियल प्रेशर जो कि हम लोग कंसिडर करेंगे, p2 प्रेशर एट ऑफ द स्टीम एट थ्रोट, यहाँ पर आउटलेट कंडीशन नहीं पकड़ना है आपको, मैक्सिमम आपको क्रिटिकल कंडीशन थ्रोट पर मिल रही है, तो p2 हम लोग कंसिडर करेंगे थ्रोट पर। और ओरिफिस मीटर में भी अगर आपको थियरी याद हो तो मैक्सिमम प्रेशर हम लोग थ्रोट के ऊपर ही कंसिडर करके चलते थे। v1 एंड v2 स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम एट प्रेशर p1 एंड p2 करस्पॉन्डिंग एंड e2 विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द नोजल एट थ्रोट, यहाँ पर थ्रोट के अंदर ही हम लोगों को मैक्सिमम कंडीशन मिल रही है, तो थ्रोट का एरिया ही कंसिडर करेंगे। हमारी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या करो, एरिया को आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ, ठीक है। तो ये बन जाएगा एम अपॉन ए टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2n अपॉन n माइनस 1 p1 बाय v1 इनटू ब्रैकेट p2 बाय p1 रेस 2 बाय n माइनस p2 बाय p1 रेस 2n प्लस 1 अपॉन n। अभी ऊपर की जो यही हमारी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर p1 v1 और n ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट है, लेकिन P2 by P1 हमारा प्रेशर रेशियो है, मतलब P2 आपका है थ्रोट के ऊपर का प्रेशर, P1 आपका है इनिशियल प्रेशर, मतलब ये जो प्रेशर रेशियो मिला ये थ्रोट के रिस्पेक्ट में मिल रहा है। यहाँ पर ये जो P2 by P1 होगा ये हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा नहीं, तो आपको मैक्सिमम कंडीशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी इस इक्वेशन को P2 by P1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, जो कि हम लोग अभी तक करते आए हैं, ठीक है। तो वही कंडीशन हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। वी विल डिफ्रेंशिएट अवर इक्वेशन नंबर 5.10 विथ रिस्पेक्ट टू P2 by P1 जो कि है हमारा प्रेशर रेशियो। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, d/d P2 by P1 ब्रैकेट के अंदर P2 by P1 रेस टू 2 by n माइनस P2 by P1 रेस टू n प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि आपका m अपॉन ए टू 2n अपॉन n प्लस 1 P1 by V1 कॉन्स्टेंट है, तो इन वैल्यूज़ को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने पोर्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लेट्स कंसीडर दैट कि P2 by P1 आप लोगों के लिए प्रेशर रेशियो है, ठीक है। अभी P2 by P1 कंसीडर करते हैं हम लोग स्मॉल आर अगर कंसीडर करो तो हमारी इक्वेशन बनेगी d/dr, यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में P2 by P1 d/dr P2 by P1 फिर से r रेस टू 2 by n माइनस r रेस टू n प्लस 1 अपॉन n, वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है ओवर हियर, ठीक है। d/dr into r raised to 2 by n minus r raised to n plus 1 upon n is equal to 0। मैथ्स का फॉर्मूला है, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है, पावर आगे आएगी, पावर में से एक माइनस करना है, तो 2 by n आगे, r raised to 2 by n minus 1 माइनस n plus 1 upon n आगे, n plus 1 upon n minus 1 is equal to 0।
अभी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने पे क्या करना है कि एन एन बॉटम में, मतलब कि आपके डिनोमिनेटर में कॉमन है, सामने जाएगा जीरो। इक्वेशन को टू से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आपका बचेगा सिर्फ आर एस टू, टू बाय एन माइनस वन। यहाँ पे एलसीएम ले लिया है पावर का, तो टू माइनस एन अपॉन एन हो जाएगा, वो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया। माइनस यहाँ पर टू नहीं था, टू से डिवाइड करो तो बनेगा एन प्लस वन अपॉन टू, क्योंकि एन कॉमन निकल चुका है तो वो माइनस हो जाएगा, नेगलेक्ट कर दो एन प्लस वन अपॉन टू। फिर से यहाँ पर पावर का एलसीएम लो, एन प्लस वन अपॉन एन, एन आपका एलसीएम में जाएगा तो एन प्लस वन माइनस एन अपॉन एन, माइनस एन प्लस एन विल बी कैंसल आउट, बचेगा क्या वन अपॉन एन इज इक्वल टू जीरो। तो बचा क्या इक्वेशन में, आर एस टू टू माइनस एन अपॉन एन माइनस एन प्लस वन अपॉन टू इंटू आर एस टू वन अपॉन एन इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में करना क्या है कि माइनस एन प्लस वन अपॉन टू इंटू आर एस टू वन अपॉन एन है, इसको इक्वल टू के इस साइड ले आओ तो वो प्लस हो जाएगा। फिर आर एस टू वन अपॉन एन है, उसको फिर से इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिया तो पावर आपकी यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो ये आ गया आपका, अब देख सकते हो यहाँ पर आपकी पावर माइनस है। ठीक है, किया क्या हम लोगों ने, ये माइनस वाली टर्म को पहले इक्वल टू के राइट साइड में लिया तो वो प्लस हो जाएगा, फिर आर एस टू वन अपॉन एन को फिर से हम लोगों ने लेफ्ट साइड ले गए तो आपकी पावर माइनस हो गई, ताकि इसीलिए वो मल्टीप्लीकेशन में, वरना जब वो डिनोमिनेटर में जाएगा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैसे भी माइनस साइन ही मिलने वाली है। तो आपका इक्वेशन क्या बना, आर एस टू टू माइनस एन अपॉन एन इंटू आर एस टू माइनस वन अपॉन एन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू। मैथ्स का रूल फिर से, अगर बेस सेम है तो आप पावर का समेशन कर सकते हो, तो 2 माइनस एन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू। सिंप्लीफाई करो, n आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप सीधे सीधा माइनस कर सकते हो, 2 माइनस वन माइनस वन अपॉन एन, 2 माइनस वन है मतलब एक एक बचेगा क्योंकि 1 विल बी कैंसल आउट, तो 1 माइनस एन अपॉन एन। ठीक है, आर एस टू वन वन माइनस एन अपॉन एन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू। हमको तो r की वैल्यू चाहिए, तो जो पावर है उस पावर को आप इक्वल टू के राइट साइड जाने दोगे तो पावर आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी आर इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू इंटू एन अपॉन एन माइनस वन। क्या करो, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, या तो फिर क्या करो कि दोनों पावर के अंदर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एन अपॉन माइनस इंटू वन माइनस एन। आर इज इक्वल टू तो क्या था, प्रेशर रेशियो पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारी जो पावर है वो नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, हमारे जो इक्वेशन है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2 अपॉन एन प्लस वन, तो आपकी पावर के अंदर जो नेगेटिव साइन है वो भी दूर हो जाएगी, इट विल बिकम एन अपॉन, अभी 1 माइनस एन था तो उसको यहाँ अंदर हम लोगों ने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो एन माइनस वन हो जाएगा, एक साइन आपकी नेगेटिव थी, आपने इक्वेशन को रेसिप्रोकल किया तो आपकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी, इसीलिए हो जाएगा एन अपॉन एन माइनस वन। तो प्रेशर रेशियो की वैल्यू क्या मिली हमको, आर इज इक्वल टू पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू टू अपॉन एन प्लस वन होल रेस टू एन अपॉन एन माइनस वन। ये जो पी टू बाई पी वन है ये हमारे लिए क्रिटिकल प्रेशर है, और ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन यू कैन से दैट द प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन। तो स्मॉल एन की अलग अलग वैल्यू होती है, जैसे कि अगर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, ठीक है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए आपके एन की वैल्यू क्या बनेगी, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए एन की वैल्यू बन रही है एन इज इक्वल टू 1.135। ये वैल्यू को हम हमारी इस इक्वेशन में रखेंगे, सिंप्लीफाई करो तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा P2 इज इक्वल टू 0.58 P1। उसी तरह से जब आपके पास में सुपर हीटेड स्टीम है, इस इक्वेशन उस वैल्यू को हम लोग हमारे इस इक्वेशन में रखेंगे तब आपको वैल्यू मिलेगा P2 इज इक्वल टू 0.545 P1। तो ये जो इक्वेशंस मिल रहे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं नोजल के एग्जाम्पल के अंदर। अभी हम लोगों को प्रेशर रेशियो तो मिल गया, अभी मास फ्लो रेट, मैक्सिमम मास फ्लो रेट पर यूनिट पर सेकंड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो P2 बाई P1 की वैल्यू क्या है हम हमारे मेन इक्वेशन में रखेंगे, मतलब कि इस इक्वेशन के अंदर ओवर हियर, कि m अपॉन A2 इज इक्वल टू 2 बाई n इंटू P1 बाई V1 इंटू 2 अपॉन n प्लस 1 रेज टू 2 बाई n माइनस 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 इंटू सॉरी 2 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 रेज टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 अपॉन एन प्लस वन रेस टू 2 बाई एन माइनस वन कॉमन निकाल लो। आप देख सकते हो इक्वेशन के बेस पर, एक मिनट, हाँ ये हम लोगों ने क्या किया है, ये 2 अपॉन एन प्लस वन रेस टू 2 अपॉन एन माइनस वन को कॉमन निकाल लिया। जब आपको कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा एक माइनस, इस इक्वेशन को आप यहाँ से डिराइव करोगे, मतलब कि डिवाइड करोगे तो 2 अपॉन एन प्लस वन आपके दोनों बेस सेम है, सिर्फ पावर का माइनस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल। तो ये हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन माइनस 2 अपॉन एन माइनस वन, ये इक्वेशन आएगी। यही चीज़ आप लोगों को नेक्स्ट में मिलने वाली है।
यू कैन सी, ठीक है, माइनस साइन आ गई, ये रहा आपका इक्वेशन। ठीक है, आपने क्या किया, पावर को माइनस कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, टू अपॉन एन माइनस वन इंटू पी वन बाई वी वन, टू अपॉन एन प्लस वन रेस टू टू अपॉन एन माइनस वन इंटू वन माइनस एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन। डिनोमिनेटर से हमें डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो एन प्लस वन माइनस टू है, तो प्लस वन माइनस टू मतलब एन माइनस वन हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब इट विल बी कैंसिल आउट, बचेगा सिर्फ एक। तो आपकी वैल्यू क्या बनी, वन माइनस टू अपॉन एन प्लस वन। अभी इस इक्वेशन में हम लोग एन प्लस वन का भी एलसीएम ले लेंगे ओवर हियर। इस एन प्लस वन का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा क्या, एन प्लस वन माइनस टू, फिर से एन माइनस वन बचेगा क्योंकि माइनस टू है, माइनस टू प्लस वन विल बी माइनस वन, तो बचेगा यहाँ पर एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, साथ में आपकी इक्वेशन एज इट इज है, टू अपॉन टू ए टू एन अपॉन एन माइनस वन इंटू पी वन बाई वी वन इंटू टू अपॉन एन प्लस वन इंटू रेस टू टू अपॉन एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। ये थी वैल्यू आपकी एम अपॉन ए टू मैक्सिमम के लिए। इसके लिए मैक्सिमम के लिए वैल्यू चाहिए, तो आप देख सकते हो कि एन माइनस वन विल बी कैंसल आउट। ठीक है, एन प्लस वन आपका टू एन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, टू एन अपॉन एन प्लस वन इंटू पी वन बाई वी वन इंटू टू अपॉन एन प्लस वन रेस टू टू एन सॉरी टू अपॉन एन माइनस वन। ये हमारे लिए मैक्सिमम कंडीशन की इक्वेशन बन जाएगी कि मास फ्लो रेट मैक्सिमम तब होगा जब हम लोग अभी ए टू को मल्टीप्लाई कर दो सामने की तरफ, तो आपको मैक्सिमम कंडीशन मिल जाएगी कि मास फ्लो रेट मैक्सिमम कब है। तो मास फ्लो रेट मैक्सिमम तब होगा जब इट विल डिपेंड ऑन द एरिया, मतलब के थ्रोट का एरिया, थ्रोटल एरिया, इट विल डिपेंड ऑन एन, इट विल डिपेंड ऑन इनिशियल प्रेशर, इनिशियल स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इक्वेशन हमारे पास में मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए बनेगी, मास फ्लो रेट के लिए बनेगी, सॉरी, एम मैक्सिमम इज इक्वल टू ए टू रूट टू एन अपॉन एन प्लस वन इंटू पी वन बाई वी वन इंटू टू अपॉन एन प्लस वन होल रेज टू टू अपॉन एन माइनस वन। ये वैल्यू डिपेंड करती है एन के ऊपर, एन के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये कि आपके पास में दो कंडीशन है, व्हेन द स्टीम इज इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड एन इज इक्वल टू 1.135 है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, यू विल गेट द इक्वेशन एम मैक्सिमम 0.637 ए2 इंटू पी वन बाय वी वन। आपको करना कुछ नहीं है, एन की वैल्यू ड्राई सैचुरेटेड और सुपर हीटेड के लिए सिर्फ याद रखनी है और इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर देना है। उसी तरह से व्हेन द स्टीम इज इनिशियली सुपर हीटेड एट दैट टाइम एन इज इक्वल टू 1.3, इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू एम मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.666 ए टू इंटू पी वन बाय वी वन रूट में। तो दोस्तों ये थी मैक्सिमम कंडीशन की इक्वेशंस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल जीटीयू में 4 से 5 बार आ चुका है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3 बार तो बताया, चौपड़ी बुक में 3 बार तो बताया हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स का सवाल है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।